हेलो। हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ, यही है यही है, अभी बुलाते हैं। हाँ हाँ, एक सेकंड। अरे सिया बहू, बेटा तुम्हारे मायके से फोन है, भाई का तुम्हारे। हेलो। हाँ भैया, कैसे हैं आप? और मम्मी पापा कैसे हैं? आप भी कैसी है? हाँ भैया, हम बहुत खुश हैं, यहाँ पर सब ठीक है। अच्छा सिया, करवा चौथ है तो मैं करवा और तुम्हारे सास ससुर के लिए शगुन लेकर आने वाला। जी भैया, लेकिन हमारा तो कोई मायका ही नहीं है सिया। भैया। हाँ बोलो सिया। हमारी मंजली भाभी है ना, उनका कोई मायका नहीं है। अगर हो सके तो सब सामान दो दो लेकर आइए ना, अगर आप उन्हें देंगे तो उन्हें बहुत खुशी होगी। अरे क्यों नहीं, बिल्कुल लेकर आऊंगा। अच्छा मैं ये पूछ रहा था कि कल कितने बजे तक तुम्हारे घर आ जाऊं? आप दोपहर तक आ जाइएगा। ठीक। आपकी बहन अभी व्यस्त है, आप थोड़ी देर बाद फोन करें। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारे हिम्मत। उधर समर बगैर नाश्ता किए चला गया और तुम्हें अपने मायके वालों से बतियाने से फुर्सत नहीं। मलकिन, सिया बहू को फोन हमने दिया था, उसके मायके से फोन था। कप्तान साहब, हम आपसे निवेदन करते हैं कि सास बहू के बीच में न बोले। लेकिन हम तो सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं। कप्तान साहब, हमें खबर रहती है कि घर के कोने कोने में क्या हो रहा है, इसलिए जी आंखें बंद कर लेते हैं, हम मौन साध लेते हैं। कुछ नहीं कहेंगे हम। आज 32 सालों में ऐसा हुआ है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। पहली बार इन्होंने हमसे इस तरह से बात की, और देखो तुमने कैसा जादू कर दिया है। अरे चाहती क्या हो तुम? सासुमा, लड़की का लक्षण तो हमको भी नहीं बुझा रहा है। सगरी रात रात जगा कराई हमसे, और जब सुबह आग लगी तो जगाया भी नहीं इन्हें। रात जगा काहे के लिए? वो इसलिए सासुमा कि गेस्ट रूम का एसी तो काम ही नहीं कर रहा था ना, तो जैसे तैसे इंतजाम किए पंखे का। पुराना था तो गड़बड़ा गया था, और ये छुटकी देवरानी राम जाने कैसे चलाई उस पंखे को कि हमारी झरझर वाली की उंगली रपा रप पंखे में आ गई। और बिचारी हमारी झरझर वाली घायल हो गई। छुटकी देवरानी तो उसको दवाई देकर सोने चली गई, पर हमसे उसकी तकलीफ देखी नहीं ना गई सासू माँ। पूरी रात उसके सिरहाने बैठ के मरहम पट्टी किए, पानी आनी पिलाए, तो रज्जे का तो अपने आप ही हो गया ना सासू माँ। और सिया रानी काहे नहीं उठाई हमको? इसलिए कि रसोई का चूल्हा न जले, सिर्फ देखने में चिकनी चुपड़ी लगती है।
अरे कुछ लोगों की फितरत ही ऐसी होती है कि खुद को दुनिया से ज्यादा सयाना समझते हैं, इसीलिए काम की चीजें इसे समझ में नहीं आती। लेकिन सासू माँ, हमने तो कुछ भी। सासू माँ, हमें माफी दे दीजिए। कल ना वो पंखे वाला कांड होता छुटकी देवरानी की वजह से, बस अब इन्हीं के सयानेपन की वजह से हम सोते रह गए। सासू माँ, सासू माँ, हम तो सपने में भी इतना देरी तक तान कर सोने के बारे में नहीं सोच सकते। हम अभी झरझर वाली को उठा देते हैं और सारा रसोई का काम संभाल लेते हैं। छुटकी देवरानी, तुम यहाँ क्या करोगी? चलो हमारे साथ हाथ बटाओ। अरे बड़को, ये भी कैसे जा सकती है रसोई घर में? इसका भी रसोई पूजन नहीं हुआ है। और हाँ, अगर झरझर वाली की तबीयत खराब है तो उसे आराम करने दो, जगाना मत। और तुम जाओ, जाके रसोई पूजन की तैयारी करो। ठीक है सासू माँ। जैसा आप सबको पता ही है कि माँ पार्वती जी का ही रूप माता अन्नपूर्णा है, और अन्नपूर्णा की पूजा करने से घर में अन्न की कमी नहीं होती। तो पहले यहाँ दिया जलाएंगे, उसके बाद यहाँ स्वस्ति का निशान करेंगे। जिया बहू, सबसे पहले चूल्हे पे मिष्ठान बनेगा। आपका बनाया हुआ मिष्ठान पहले पूरा परिवार चखेगा, उसके पहले आप कुछ नहीं खा सकती। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षां देहि च पार्वती। अब चलिए सब मंदिर की तरफ प्रस्थान कीजिए। हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना की, माता अन्नपूर्णा की कृपा हमारे पर रहे और घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। हे ईश्वर, हम आपसे बस इतनी सी मदद चाहेंगे कि हम इस घर के सारे रस्मों और रिवाजों का पालन कर सके। इस घर की सुख समृद्धि पर कोई आंच ना आने दे। आज समर का इतना जरूरी मैच है, गुस्से में नाश्ता छोड़ छाड़ के चला गया, इसकी भी नहीं सुनी। माई रे माई, मतलब छुटकी देवरानी के साथ समर बाबुआ जी की कुछ ज्यादा ही कहीं सुनी हो गई है। बवाल बस ऐसे ही चलता रहे रोज, बस हम तो यही चाहेंगे ना। दीदी, कैसे याद किया अपनी छुटकी को? कैसी है मिन्नी, हमारी लाडली बहना? सब कुछ लूट गया और तुम पूछ रही हो कैसी हो? वहां समर जी की शादी हो गई, कैसा होना चाहिए मुझे? काहे चिंता करती हो, शादी जरूर हुई है छुटकी बहना, लेकिन टिकने वाली नहीं है। क्यों दीदी, ऐसा क्या हो गया? का नहीं हुआ मिन्नी पूछो, सुहागरात से लेके पग फेरे तक कौन तमाशा नहीं हुआ ये घर में। समर बबुआ तो दिन भर गुस्से में लाल पीले रहते हैं, और तो और ज्यादा से ज्यादा घर से बाहर रहते हैं। खैर ये सब छोड़ो मिन्नी, तुम हमारी बात सुनो छुटकी बहना, कि अब तुमको करना का है? इससे पहले कि सिया रानी अपना जादू मंत्र फूके समर बबुआ पे, तुम अपना टोटका कर दो।
पर दीदी अब क्या फायदा? तुम समझ नहीं ना रही हो, यही सही वक्त है। का है ना चुटकी बहना, सासू माँ भी सिया रानी से उखड़ी उखड़ी रहती है, तो यही मौके पे चौका मार दो। अब तुम्हें करना का है ई सुनो, समर बबुआ का आज मैच है, तो पहुंच जाओ धड़ल्ले से वहां। अरे चुटकी, मेलजोल बढ़ाओ उनसे। हमरा सपना है चुटकी बहना कि घर में तुम बहू बनकर आओ। लेकिन दीदी, मुझे नहीं लगता कि आप जो भी सोच रही हैं ना, वैसा कुछ भी होगा। आपके ससुराल वालों को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। एक बार शादी हो गई तो मरकर ही बिछा चुकता है। चुटकी बहना, तुम्हें क्या पता कि कितना बड़ा कारोबार है। एक बार तुम घर में आ गई ना बहू बनके, तो दोनों बहनें मिलकर राज करेंगी। हाँ, और रही बात शादी टूटने की, तो समझो उसकी शुरुआत हो चुकी है। तनिक भरोसा रखो हम पर, बहुत जल्द हमारा ससुराल तुम्हारा भी ससुराल हो जाएगा। जैसा हम कह रहे हैं ना बहना, वैसा ही करो और पहुंच जाओ सीधा समर बबुआ के मैच पे। नजदीकी बढ़ाओ, बाकी सारे काम तो हम देख ही लेंगे। ई बारी सिया रानी को ही घर से बहरा खेल कर ही दम लेंगे हम। बड़ी बुआ कह रही है कि वो शुगर फ्री हलवा खाएंगी। ठीक है, हम उनके लिए थोड़ा सा हलवा अलग से निकाल देते हैं। अरे रिमझिम बेटा सुनो, आप हमारा एक काम करेंगे? बोलिए चाची। जहाँ समर चाचू का मैच हो रहा है वहाँ पता करके बताइए कि वहाँ खाना भिजवा सकते हैं, और ये भी पता करके बताइए कि मैच शुरू हुआ या नहीं। मैं पता करके बताती हूँ चाची। सीक्रेट देवरानी, तुम झरझर वाली को कौन सी दवाई दे डाली जो अभी तक फो फो करके सो रही है? दीदी, हमने तो पेन किलर ही दी थी। जाने कौन सा पेन किलर दे दी तुम, अभी तक नहीं उठी। नहीं की चाची, समझ जाता। तू का इधर से उधर फुदक रही है, तनिक जाके पढ़ा लिखाई करो, जाओ यहाँ से। और सासू माँ का कह रही थी? समर बबुआ गुस्सा थे तुमसे? हाँ, वो थोड़े से नाराज है। दीदी, हमने हलवा बना दिया है और बड़ी ननन जी को शुगर फ्री हलवा चाहिए,
हमने वो भी अलग से निकाल के रख दिया। दीदी हम थोड़ी देर में आए। ज्यादा आज्ञाकारी बनने की कौनो जरूरत नहीं है, जाओ जहाँ जाना है। भगवान, आज समर जी भूखे ही चले गए और ये जो कुछ भी हुआ सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से हुआ। अब हम तभी अन्न और जल ग्रहण करेंगे जब समर जी खाएंगे। भगवान आज उन्हें कामयाबी दीजिएगा। आप क्या कर रही है चाची? बेटा हम भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आज आपके समर चाचू बहुत अच्छा मैच खेले। देखिए चाची, मैं अभी आदित्य से जाके कहती हूँ कि मैच कैसे चल रहा है पता करें। अभी अभी समर चाचा ने सिक्स लगाए नहीं की चाची। अंकल ने बोला कि समर चाचू की टीम जीत गई है और उन्हें एक सेंचुरी बनाई है। छोटकी बहू, ये देखिए अम्मा, ये हलवा दिया है आपकी नई की बहू ने हमें, जिसमें इतना बड़ा बाल निकला है। दीदी ये बाल कहाँ से आया? हमने तो तुमने नहीं तो क्या बाल उड़ के पहुंच गया? तुमने हलवे में बाल डाला है नई की भाभी, क्योंकि हमने तुमसे अलग से हलवा मांग लिया था और तुम्हें बुरा लग गया, इसीलिए तुमने हमेशा की तरह हमसे खुन्नस निकालने के लिए ऐसे किया बिना बोले। वारे छोटकी बहू, रोज कुछ ना कुछ होता है, लेकिन तुम ना सीखती हो और ना ही सावधानी बरतती हो, और इतनी गैर जिम्मेदार हो कि तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। अब लो ये हलवा तुम ही खाओ। अब इतना बड़ा बाल दिखाई नहीं दिया? अब खड़ी मत रहो हमारे सामने, चली जाओ यहाँ से, खून खोल रहा है हमारा। सुना नहीं तुमने? अन हो जाओ, जाओ अपने कमरे में। सासू माँ, हमारा तो दिल धुक धुका रहा है ये सब देख के। साचो ई छुटकी देवरानी
इससे तो बहुत ही डर लग रहा है अब हमको। कब का करते भगवान जी जाने अब तो। अम्मा कुछ तो करना पड़ेगा इसका, दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है। दादी मम्मी को कुछ हो गया, चिल्लाया डुलाया चिल्लाया वो सोकर उठ ही नहीं रही। माय रे माय, अब तो हर चाल कामयाब हो रही है। वारे गिन्नी देवी कर दी कमाल।